हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हम 7 चैप्टर कर रहे थे, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, और उसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.4। और 7.4 एक्सरसाइज के भी आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने करवा दिए थे। आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज्ड शो दैट द लेटर ई एंड आई ऑक्यूपाई ओनली इवन पैलेसेज। इसने हमें वर्ड क्या दिया, दिल्ली। यू कहता है इसमें यूज होने वाले लेटर्स की अरेंजमेंट की बात कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज से हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्या? कि जो लेटर ई और आई है ना, लेटर ई और आई को इवन पैलेस पे ही रखना है। सबसे पहले देखो, हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें पांच जगह पे पांच लेटर्स को यूज करना है, लेकिन उसमें से हम पहले ये देख लेते हैं कि इवन पैलेस कौन कौन से हैं। देखो, एक तो सेकंड वाला है जो इवन पैलेस है, और एक फोर्थ वाला है जो इवन पैलेस है। इवन पैलेस पे रखने के लिए हमारे पास दो लेटर हैं, और इवन पैलेस भी हमारे पास दो ही हैं। यानी कि अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, 2P2, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। या यूँ कह सकते हैं, जब हमने ई को उठाया तो हमारे सामने दो ऑप्शन थे, हम सेकंड पे रख सकते थे या फोर्थ पे रख सकते थे। उसके बाद जब आई उठाएंगे तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि 2P2 का मतलब है 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1। एक एक करके रख सकते हो या फिर टेकिंग ऑल एट ए टाइम कह सकते हो। उसके बाद जो हमारे ई और आई के अलावा लेटर रह गए, कौन सा रह गया, डी रह गया बेटा, एल रह गया और एच रह गया। इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इनके लिए भी कितने पैलेस खाली हैं आपके पास, 3। तो अगर हम टेकिंग ऑल एट ए टाइम कहें तो डी एल एच की अगर बात करेंगे तो वो 3P3 वे से अरेंज होगा, यानी कि 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज होगा। अगर हम यहाँ से टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगी, 2P2 × 3P3, यानी कि 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। सोल्व कर देंगे, 2 फैक्टोरियल तो 2 × 1, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कितना आएगा, 12। 12 वेज से हम, हमारे पास जो दिल्ली वर्ड है हम उनके लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन के साथ, कि ई और आई जो लेटर है ना वो हमारे इवन पैलेस पे ही रखे जाएंगे। उसके बाद देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है द लेटर ऑफ द वर्ड ट्यूजडे, आपको वर्ड दिया ट्यूजडे, आर अरेंज इन ए लाइन ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद द लेटर एस। देखो वर्ड आपका है ट्यूजडे, कहते इस टाइप से अरेंजमेंट करो कि हर वर्ड का लास्ट लेटर क्या आए, एस आए। फिर कहते हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर पॉसिबल, हाउ मैनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर डी। उसके बाद कहता है कि एंडिंग तो ऐसे करनी ही है, अगर हम स्टार्टिंग भी डी से करें तो अरेंजमेंट कौन कौन सी होंगी, कितनी होंगी। देखो बेटा, ट्यूजडे वर्ड के अंदर हमारे पास लेटर काउंट कर लो पहले तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर बेटा किसी भी टाइप की कोई कंडीशन नहीं होती, कोई भी लेटर कहीं भी रखा जाए, तब हमारी टोटल अरेंजमेंट हो जाती 7 फैक्टोरियल। लेकिन अब क्या कहता है कि आपको ये जो 7 लेटर अरेंज कर रहे हैं, इसमें जो 7th पैलेस है ना उसके ऊपर एस लेटर ही आना चाहिए। यानी कि एस लेटर की अगर बात करें तो वो तो 1 वे से ही अरेंज हो सकता है, लास्ट पर ही आएगा। इसके अलावा हमारे पास 6 तो जगह खाली हैं और 6 ही लेटर हमें अरेंज करने हैं, तो उन 6 लेटर को अरेंज करने की अगर हम बात करें तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, हमें 6 फैक्टोरियल वे से कह सकते हैं, 6P6 कह दो या 6 फैक्टोरियल कह दो, एक ही बात होती है। तो ये हो जाएंगी वो अरेंजमेंट जिसमें हमारी एंडिंग किस लेटर से होगी, एस से। फिर इसी में एक पार्ट और बना रखा है उसने, यूँ कहता है एंडिंग तो एस से होनी ही है, लेकिन अगर स्टार्टिंग भी डी से कर दी जाए, जैसे फर्स्ट वाले पैलेस को भी अगर फिक्स कर दिया जाए कि भाई स्टार्टिंग में आएगा डी और लास्ट में आएगा एस, तो 1 वे से तो डी अरेंज होगा, 1 वे से ही एस अरेंज होगा। 7 लेटर थे जिनमें से 2 लेटर को तो फिक्स कर दिया, 1 वे से ही रखे जा सकते हैं। हमारे पास 5 लेटर बचे और 5 लेटर की ही यहाँ पे अरेंजमेंट की जगह बचेगी,
तो उन पांच लेटर को हमें 5P5 या यूँ कहो 5 फैक्टोरियल से क्या कर सकते हैं, अरेंज। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। 120 वे से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से सुनो। यू कहता है हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कंबाइन। हमें वर्ड क्या दिया, कंबाइन। कंबाइन वर्ड दिया। यू कहता है सो दैट फर्स्ट वोवल्स ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर। देखो बेटा क्या कह रहे हैं कि आप इस वर्ड के अंदर यूज होने वाले जो वोवल्स हैं ना वो हमेशा इकट्ठे होने चाहिए। हमने उठा ली बेटा, एक तो ओ है, एक आई है और एक ई है, इकट्ठे होने चाहिए यानी कि इनको एक लेटर में काउंट कर लिया। इनके अलावा हमारे पास क्या बचा, सी है, एम है, बी और एन। जब हम अरेंजमेंट यहाँ पे करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसको एक काउंट करो, तीनों के तीनों इकट्ठे रहने चाहिए। तो फिलहाल ये जो पांच लेटर हैं ये 5P5 या सीधा कह दो 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। लेकिन वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए, उसके अंदर वो ये नहीं कहता कि फर्स्ट पे ओ ही हो, सेकंड पे आई हो, थर्ड पे ई हो। आप ऐसा कर सकते हो कि ई फर्स्ट पे आ जाए, आई फर्स्ट पे आ जाए, ओ थर्ड पे चला जाए। यानी कि ये जो तीन वोवल्स हैं ये अपने आप में अगर अरेंज करें तो ये तीन लेटर कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, 3P3 या यूँ कहो 3 फैक्टोरियल। इस अरेंजमेंट के अंदर जो हमारे वोवल्स हैं वो क्या रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है ये, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। देखो बेटा एक तो कहेगा वोवल्स आर नॉट टुगेदर, और एक वो यूँ कहे नो टू वोवल्स आर टुगेदर, डिफरेंस है। नो टू वोवल्स आर टुगेदर का मतलब तो ये है कि हम वोवल्स को कॉन्सोनेंट्स के बीच में अरेंज कर देंगे। देखो बेटा हमने इस वर्ड में यूज होने वाले कॉन्सोनेंट को उठाया और उनके बीच में एक एक लेटर रखने के लिए जगह छोड़ दी। अगर इन जगह पे हम वोवल्स को अरेंज करते हैं तो क्या कोई भी दो वोवल्स इकट्ठे हो सकते हैं? अब देखो बेटा वोवल्स के ऊपर कंडीशन कुछ नहीं थी, लेकिन अरेंज तो उनको भी करेंगे। कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, तो ये चार वोवल्स अरेंज हो जाएंगे, 4P4 कह दो या सीधा 4 फैक्टोरियल कह दो। जब बात वोवल्स की आई तो वोवल्स तो तीन है और जगह कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। इन पांच जगह में से कहीं पर भी अगर हम वोवल्स को अरेंज करेंगे तो कोई भी दो वोवल्स इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये अरेंजमेंट क्या लिखी जाएंगी, 5P3। इसको आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड कहता है वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड पैलेसेज। अब सबसे पहले तो देखो इसमें टोटल लेटर कितने थे बेटा, 7। अगर 7 लेटर में से हम देखते हैं तो भाई जैसे ये आपका फर्स्ट पैलेस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ओड पैलेस कौन कौन से हैं, ओड फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवन्थ है। ओड पैलेस आपके सामने 4 है, 4, और ओड पैलेस पर रखने के लिए लेटर उसने कितने दिए, 3। वोवल्स ही तो कह रहा है कि वोवल्स ओड पैलेस पे आने चाहिए, तो वोवल्स को तो अरेंज कर दिया 4P3। रहे कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, वो अपने आप में अरेंज हो जाएंगे, उनके लिए 4 जगह खाली भी हैं, तो वो 4P4 लिखो या 4 फैक्टोरियल। तो इस अरेंजमेंट के अंदर वोवल्स हमेशा कहाँ रखे जाएंगे, ओड पैलेस पे। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन बी अरेंज्ड शो दैट नो टू वोवल्स आर टुगेदर। अभी जस्ट हमने पीछे किया है, करे इस तरह से अरेंजमेंट करो कि कोई भी दो वोवल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो क्या करो, कॉन्सोनेंट्स उठा लो और उनके बीच में एक एक की जगह छोड़ दो, F, R, C, T और N। ठीक है, अगर इनके बीच में वोवल्स को अरेंज करेंगे तो कोई भी दो वोवल्स इकट्ठे नहीं होंगे। तो पहले तो हम कॉन्सोनेंट को अरेंज कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वे से। अगर इनके बीच में हम जगह देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पैलेस आपके पास हैं और वोवल्स को अरेंज करना है, कोई भी दो वोवल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए। अब वोवल्स काउंट करो बेटा कितने हैं, 1, 2, 3,
थ्री है हमारे पास, तो सिक्स पी थ्री वे से क्या हो जाएंगे, वोवल्स अरेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगी वो अरेंजमेंट जिसके अंदर कोई भी दो वोवल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, यू कहते हैं फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सब्जेक्शन। हमें वर्ड दिया गया सब्जेक्शन, पहले तो इसमें टोटल लेटर ही काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर है। अगर किसी टाइप की कोई भी कंडीशन ना हो, कोई लेटर कहीं रखा जाए, तब तो हमारी अरेंजमेंट हो जाएंगी 10 फैक्टोरियल। लेकिन क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनना, फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सब्जेक्शन व्हेन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर नॉट चेंज्ड। कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स की रिलेटिव पोजिशन को चेंज नहीं करना है। नहीं करने का मतलब वो ये नहीं कहता कि यस यहाँ रखा हुआ है यहीं होना चाहिए, वो आपको क्या कहना चाह रहा है कि एक कॉन्सोनेंट की जगह दूसरा कॉन्सोनेंट अरेंज किया जा सकता है, एक कॉन्सोनेंट की जगह दूसरा कॉन्सोनेंट रख सकते हैं, वोवल की जगह दूसरा वोवल, यानी कि वोवल्स की जगह वोवल्स ले सकता है, कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट अरेंज हो सकता है। इसके ये कहने का मतलब क्या है भाई कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स अपनी पोजिशंस को चेंज नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यू की जगह बी रख दो या यू की जगह जे रख दो। हाँ, आप यू की जगह ई रख सकते हो, आई रख सकते हो, ओ रख सकते हो, वोवल्स की जगह वोवल ही रख सकते हो। तो पहले तो आप ये काउंट कर लो यहाँ कॉन्सोनेंट कितने हैं। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, सिक्स तो है बेटा कॉन्सोनेंट और फोर है आपके वोवल। तो ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं तो ठीक है, जो सिक्स कॉन्सोनेंट है वो सिक्स फैक्टर वे से अरेंज हो जाएंगे और जो फोर वोवल्स है वो फोर फैक्टर वे से अरेंज हो जाएंगे। तो ये वो अरेंजमेंट है जिसके अंदर वोवल्स की जगह वोवल्स ही रखे जाएंगे और कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल। वर्ड क्या दिया, पेंसिल। इसकी अरेंजमेंट पूछ रहा है, कंडीशन क्या दी है उसने, बी अरेंज शो दैट। फर्स्ट पार्ट में कहता है एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। हमें वो अरेंजमेंट चाहिए जिसके अंदर एन हमेशा ई के बाद ही अरेंज किया जाएगा, यानी कि एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। ठीक, हमने ये रख लिया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, पी, फिर क्या है, सी, आई है और एल है। देखो बेटा 1 2 3 4 5, ये पांच लेटर फाइव फैक्टर वे से अरेंज हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए ई और एन, तो ई और एन वन वे से ही अरेंज होंगे, हम एन ई नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम एन ई रख देंगे तो एन ई के बाद नहीं आएगा, जबकि उसके ऊपर ये कंडीशन उसने लगा रखी थी। इसका सेकेंड पार्ट सुनो क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में डिफरेंस समझना। एन एंड ई और ऑलवेज टुगेदर, एन और ई इकट्ठे आने का मतलब क्या है कि ये रख दिया हमने ई एन, फिर ले लिया पी सी आई एल, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो ई और एन है ये भी अपने आप में टू फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं। ये कहता है ई और एन इकट्ठे आने चाहिए, कौन आगे आना चाहिए कौन पीछे आना चाहिए ये बाउंडेशन नहीं है, जबकि फर्स्ट पार्ट के अंदर ये वाली बाउंडेशन थी। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहते हैं हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल। आपको क्या वर्ड दिया, ओरिएंटल। लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर हैं 8। अगर किसी टाइप की कोई कंडीशन ना हो तो वो 8 फैक्टर वे से अरेंज हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, ए एंड आर ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड पैलेस। तो पहले आप ओड पैलेस काउंट कर लो, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ और सेवन्थ। ओड पैलेस है 4 और ओड पैलेस पे रखने के लिए लेटर सिर्फ 2 ही हैं, ए और आर। कर दिया अरेंज, बचे कौन कौन, 1 2 3 4 5 6। तो बचे हुए 6 लेटर कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, 6 P 6 कह दो या 6 फैक्टोरियल कह दो। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्या कहता है ये, यू कह रहा है इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड आर अरेंज एज इन डिक्शनरी। जैसे आपको जो वर्ड्स है वो डिक्शनरी के अंदर मिलते हैं,
फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर, हमें मदर वर्ड का रैंक निकालना है। अब बेटा डिक्शनरी के अंदर तो क्या होता है, आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मिलेगा, मतलब सबसे पहले आपको वो वर्ड्स मिलेंगे जिनका फर्स्ट लेटर ए है, उसके बाद फर्स्ट लेटर के बाद भी सेकंड लेटर देखा जाएगा, यानी कि सेकंड लेटर अगर हमारा बी है और दूसरे वर्ड के अंदर सेकंड लेटर हमारा टी है, तो पहले वो मिलेगा जिसमें सेकंड लेटर आपका क्या है, बी। तो इस तरह से क्या कह रहा है कि मदर वर्ड का रैंक बताओ, जिस तरह से डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स अरेंज होते हैं ना, उन अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो इस मदर वर्ड में यूज होने वाले लेटर्स को ना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रख लेंगे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर रखें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ई, फिर क्या आएगा, एच, फिर एम, फिर ओ, फिर आर, फिर टी। ये तो हो गया इन लेटर्स का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर इन लेटर्स से हमें डिक्शनरी के अंदर अरेंज होने वाले वर्ड्स की बात करनी हो, बाकी लेटर की बात नहीं करें, हम सिर्फ ई एच एम ओ आर टी का अकॉर्डिंग रैंक निकालेंगे इसका। हमें क्या बताना है, मदर वर्ड का रैंक बताना है। देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले तो हमने क्या किया, उसमें यूज होने वाले जो लेटर थे उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रख दिया, ई एच एम ओ आर टी। इन लेटर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर आपको वो वर्ड्स मिलेंगे जिनमें लेटर कौन सा आएगा, ई। तो क्या लिखेंगे हम, द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर, बिगनिंग विद द लेटर ई। हम उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो ई लेटर से स्टार्ट होंगे। देखो बेटा अगर ई लेटर से स्टार्ट होंगे तो फर्स्ट पे तो ई आएगा, वो तो वन वे से हो जाएगा, बाकी हमारे पास पांच लेटर हैं, वो पांच लेटर फाइव फैक्टर वे से अरेंज हो सकते हैं। लेकिन हमें जो मदर वर्ड बनाना है उस मदर वर्ड में पहला लेटर हमें ई नहीं चाहिए, तो क्या कहेंगे उसके बाद, द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर एच। एच लेते हैं तब भी हमारे पास पांच लेटर रह गए, तो वो भी कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, फाइव फैक्टर वे से। उसके बाद द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर एम। अब हमने देखा कि हमें जो वर्ड बनाना है उसका फर्स्ट लेटर तो एम ही है, तो हमने एम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी कि हम उन वर्ड्स के अंदर चले गए जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, एम, और जिसको फिक्स करते जा रहे हो उसको यहाँ से हटाते जाओ। अब हम क्या लिखेंगे, द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर, अब फर्स्ट तो हो गया एम, अब दोबारा से अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो वो वर्ड आएंगे जिसमें हमारा फर्स्ट सेकंड लेटर क्या होगा, ई। अगर हम एम ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लेते हैं तो ई को छोड़ के यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर लेटर बच गए, और वो कितने वे से अरेंज होंगे, फोर फैक्टर वे से। उसके बाद द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर एम के बाद बारी आएगी एच की, अगर एम एच लेते हैं तब भी चार लेटर बच जाते हैं, तो वो भी कितने वे से अरेंज होंगे, फोर फैक्टर वे से। उसके बाद द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर एम ओ, अब हमें सेकेंड लेटर ओ ही चाहिए, तो हमने ओ को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया और यहाँ से हटा दो। उसके बाद क्या लिखेंगे, द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर दोबारा से एम ओ ई, और इसके अलावा हमारे पास लेटर कितने रह गए, थ्री, तो हम क्या करेंगे, कितने वे से अरेंज करेंगे, थ्री फैक्टर वे से। उसके बाद द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर एम ओ एच, तो ये भी क्या आएगा, थ्री फैक्टर, क्योंकि हमें थर्ड लेटर एच नहीं चाहिए। उसके बाद एम ओ आर आएगा, ये भी थ्री फैक्टर वे से अरेंज होगा। उसके बाद एम ओ टी आएगा, और एम ओ टी जैसे हमें मिला हम इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे और यहाँ से टी को हटा देंगे। उसके बाद देखो द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर, तीन लेटर तो अरेंज हो गए, एम ओ टी, दोबारा से किसकी बारी आएगी, ई की, कितने लेटर बचे हुए हैं, दो, तो वो कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, टू फैक्टर वे से। फिर द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर एम ओ टी एच, जैसे हमें फोर्थ लेटर एच मिला हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया और यहाँ से हटा दिया। फिर द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर एम ओ टी एच तक तो आ ही गए थे हम, फिर बारी किसकी आएगी, दोबारा से ई की आ जाएगी, ई की आएगी तो फिफ्थ लेटर हमें ई चाहिए, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया और यहाँ से ई को हटा देंगे। उसके बाद देखो बेटा द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर एम ओ टी एच, अब तो एक ही लेटर रहता है आर, और ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स, हमारा जो मदर वर्ड था वो कंप्लीट हो गया। अगर अब हमें यहाँ पर रैंक निकालना है तो रैंक कैसे निकालते हैं, ये जो अरेंजमेंट आपने की है, देखो फाइव फैक्टोरियल,
प्लस में 5 फैक्टोरियल, सबको ऐड करना है, प्लस में 4 फैक्टोरियल, प्लस में 4 फैक्टोरियल, प्लस में 3 फैक्टोरियल, प्लस में 3 फैक्टोरियल, प्लस में 3 फैक्टोरियल और प्लस में 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करें तो ये आ गया बेटा 120, प्लस में 120 120, प्लस में आएगा 24, ये भी 24, ये सिक्स और ये 2। और एक रूल होता है बेटा, इन सभी के अंदर प्लस में लास्ट में क्या करना है, 1। हमेशा कोई भी वर्ड दिया जाए, लास्ट में आप अपनी तरफ से क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने से ये 309 आएगा, इतना तो सोल्व करोगे तो 308 आएगा, प्लस में 1 कर दिया 309, यानी कि जो मदर वर्ड है उसका रैंक कितना है, 309 है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, क्या करें, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, कहता है 0, 1, 2, 3, 4, इन 5 डिजिट का यूज करते हुए हम कितने नंबर बना सकते हैं, उन नंबर की खास बात क्या होनी चाहिए, सारे के सारे 20,000 से क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए, और नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर्स, नंबर 20,000 से बड़ा बनाना है, और दूसरी बात कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए और नंबर 20,000 से बड़ा बनाना है, तो ये बात तो क्लियर होगी कि हमें नंबर तो 5 डिजिट का ही बनाना है, क्योंकि अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो नंबर कितने भी डिजिट का हो सकता है। अब देखो बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम अगर 0 रख देंगे तो नंबर 5 डिजिट का नहीं बनेगा, अगर 1 रख देंगे तो नंबर 20,000 से बड़ा नहीं बनेगा, समझ रहे हो नहीं भाई, अगर हम यहाँ पे 0 ही रखते हैं तो नंबर 20,000 से बड़ा नहीं बनेगा। अब देखो अगर हम एक काम करें कि टोटल निकाल लेते हैं कि इन डिजिट्स का यूज करते हुए कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, देखो बेटा इस बात को ध्यान रखो, यहाँ 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, हाँ यहाँ पे 2 आए, 3 आए, 4 आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पैलेस के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं कि हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं। उसके बाद देखो हमारे पास 4 डिजिट की जगह रह जाती है और 4 ही हमारे पास डिजिट रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 4 में से कोई एक डिजिट यूज हुई है, आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये नहीं देखना नंबर इवन है या ओड है, तो बाकी 4 डिजिट को हम 4P4 वे से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 × 4P4 कितना, 4 फैक्टोरियल, 3 × 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 24, तो कितने नंबर बनाए जाएंगे, 72 नंबर बनेंगे। फिर देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट, ये कहता है हाउ मैनी ओड नंबर्स, थोड़ा ध्यान रखना नंबर कैसा बनाना है, हमें ओड नंबर बनाना है, ग्रेटर देन 80,000, नंबर ओड होना चाहिए, 80,000 से ग्रेटर होना चाहिए, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, और किस किस का यूज कर सकते हैं बेटा, 2, 3, 4, 5 और 8, इन डिजिट्स का हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसने क्या कहा, इफ़ ईच डिजिट इज़ यूज्ड ओनली वंस इन ए नंबर, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि अगर 80,000 से बड़ा नंबर बनाना, 5 ही डिजिट आपके पास यूज करने के लिए हैं, रिपीटेशन आपको करनी नहीं है, तो नंबर तो 5 डिजिट का ही बनेगा। ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे या 5 रखेंगे तो हमारा नंबर 80,000 से ग्रेटर नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 8 ही रखना पड़ेगा तभी हमारा नंबर 80,000 से ग्रेटर बनेगा। अब उसके बाद देखा हमने कि हमारे पास 4 डिजिट हैं, 4 ही पैलेस हैं, लेकिन इसमें एक बात उसने और भी कही है कि नंबर कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए, तो ओड नंबर के लिए तो जो यूनिट पैलेस होता है उस पर कैसे डिजिट चाहिए, हमें ओड चाहिए। ओड नंबर बनाने के लिए यहाँ पे या तो हम 3 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं, यानी कि यूनिट पैलेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। बीच में जो 3 डिजिट आपको रखनी है उन पे कोई बाउंडेशन नहीं, तो वो 3 डिजिट कितने वे से रखी जाएंगी, 3 फैक्टोरियल वे से, तो 3 फैक्टोर तो हमारा 6 × 2 12 नंबर, 12 ही ऐसे नंबर बनेंगे जो 80,000 से ग्रेटर होंगे और ओड नंबर लिखे जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा 21, कहते हैं हाउ मैनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, किस किस डिजिट का यूज करना है, 4, 2, 5
0 6 7। यू कहते हैं 6 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 6 डिजिट का नंबर बनाएंगे, कौन कौन सी डिजिट यूज करनी है वो आपको बता दिया, और रिपीटेशन हम नहीं कर सकते। तो देखो बेटा, अगर हमें नंबर 6 डिजिट का बनाना है तो हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ 0 रखेंगे ना तो हमारा नंबर कितने डिजिट का बनेगा, 5 डिजिट का बनेगा। यानी कि इसके ऊपर क्या बाउंडेशन रहेगी बेटा, कि यहाँ पे इन 0 को छोड़ के इन 5 में से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसने ये हमें नहीं कहा कि नंबर किससे बड़ा होना चाहिए किससे छोटा होना चाहिए। उसके बाद आपने जो भी डिजिट यहाँ यूज करनी थी कर ली, फिर हमारे पास 5 डिजिट रह जाती हैं और 5 ही हमारे पास जगह खाली रह जाती हैं, तो वो कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वे से। तो ये तो वो अरेंजमेंट होंगी, तो ये वो अरेंजमेंट है जिसमें हमारा नंबर 6 डिजिट का होगा। तो 6 डिजिट का हो उसके लिए यहाँ 0 पे तो बाउंडेशन है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, इसको क्या कर देंगे, सोल्व। इसी में उसने एक पार्ट और भी पूछ रखा है, क्या, हाउ मैनी ऑफ दिस विल हैव 0 इन द 10 पैलेस। यूँ कहते हैं अगर 10 पैलेस पे 0 रख, जैसे 0 को यहाँ रख दिया जाए, ठीक है, तो ये तो 1 वे से अरेंज हो गया, बाकी हमारे पास 5 जगह खाली रह जाएंगी और 5 ही डिजिट रह जाएंगी, 0 के अलावा कितनी डिजिट रहेगी, 5। तो 0 तो होगा 1 वे से अरेंज, और बाकी 5 डिजिट कितने वे से अरेंज हो जाएंगी, 5 फैक्टोरियल वे से। तब हमारे अरेंजमेंट क्या बनेंगी, 120। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर 22 का कहते हैं हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 4 5 8। इन 4 डिजिट का यूज करना है, 4 ही डिजिट का नंबर लिखना है, और साथ के साथ यूँ कहता है कि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फिर आगे एक पार्ट और बना रखा है, पहले हम ये कर लेते हैं। ये बताओ अगर हमें 4 डिजिट का नंबर लेना है, किससे बड़ा है किससे छोटा है ये नहीं देखना है, तो कितने नंबर बनेंगे, 4 ही डिजिट हैं, 4 ही हमारे पास पहले से हैं, तो 4P4 से अरेंज हो जाएंगे। या यूँ कह सकते हो पहला नंबर उठाया तो 4 पॉसिबिलिटी हैं, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, वो बात बराबर ही है, 4 फैक्टोरियल। अगली बार यूँ कहते हैं बेटा हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 2। कितने ऐसे नंबर होंगे 4 डिजिट के जो 2 से क्या हों, डिवाइड हो। फिर कहते हैं हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 5। यू बताओ अगर नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए तो उसके यूनिट पैलेस पे बाउंडेशन लगेगी, क्योंकि इवन नंबर लिखना पड़ेगा हमें, इवन नंबर ही 2 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो यहाँ 4 आना चाहिए, या फिर यहाँ क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास 3 डिजिट हैं और 3 ही पैलेस हैं, तो ये आ जाएंगे 12 ऐसे नंबर बनेंगे जो 2 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। आगे कहते हैं हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 5। तो फिर वही बात होगी, अगर नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए तो यूनिट पैलेस पे या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। अब 0 तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसके लिए तो 1 वे है, क्या, कि यूनिट डिजिट तो आपकी 5 होनी चाहिए, तभी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। बाकी जो 3 डिजिट रहेगी वो आपकी 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएंगी, यानी कि 6 ऐसे नंबर बनेंगे जो हमारे 5 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। फिर देखो बेटा नेक्स्ट 23 क्या कहते हैं, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स बिटवीन। हमें वो नंबर चाहिए जो 100 और 1000 के बीच में लाई करें। अब इसके बीच में लाई करने का मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर 3 डिजिट के ही होंगे, 101 से लेकर 999 तक। कहते हैं कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, उसने आपको डिजिट कौन कौन सी दी, 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 डिजिट आपको दे रखी हैं, इनका यूज करते हुए 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इन एनी नंबर, फिर कहते हैं इन ए नंबर द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फिर कहते हैं आल्सो फाइंड हाउ मैनी, इसको बाद में देखते हैं, पहले देखो अगर आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, यानी कि इस पैलेस के लिए हमारे पास 6 ही डिजिट हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक डिजिट आपने यूज कर ली, 7 थी, दोबारा से कितनी रहेगी, 6, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 6, और इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 5। तो ये टोटल नंबर आ गए 3 डिजिट के जो 100 से ग्रेटर होंगे और 1000 से क्या होंगे, लेस। फिर कहते हैं आल्सो फाइंड हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 5। ये ध्यान से करना है, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। अब देखो बेटा इसके बनेंगे 2 पार्ट, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए
यूनिट पहले उस पर या तो जीरो आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, फाइव। अगर यूनिट डिजिट पे जीरो आ जाता है, ठीक है, हमारे पास सात डिजिट थी, एक डिजिट हमने यूज कर ली, बाकी दो पहले से ना वो सिक्स इंटू फाइव वे से रेंज हो जाएंगे, तो तीस ऐसे नंबर बनेंगे जब जीरो यूनिट डिजिट पे है। लेकिन बेटा अगर यूनिट डिजिट पे फाइव आ जाता है तो चलो वो तो वन वे से अरेंज होगा, लेकिन हम फाइव तो वैसे छोड़ेंगे, यूज हो जाएगा, जीरो हमें इस पैलेस के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जीरो रख देंगे तो नंबर तीन डिजिट का नहीं बनेगा। तो इस पैलेस के लिए हमारे पास पांच ही पॉसिबिलिटी हैं इनटू में। अब सात डिजिट थी, दो डिजिट यूज कर ली, तो फिर कितनी डिजिट रहेगी, पाँच। तो इस मिड पैलेस के लिए, टेन पैलेस के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हैं, फाइव। तो 25 नंबर वो बनेंगे जिसमें यूनिट पे 5 होगा, 30 नंबर वो बनेंगे जिसमें यूनिट पे 0 होगा। तो टोटल नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि 55 नंबर्स बनेंगे। कौन से, जब नंबर 5 से डिवाइड होगा। और टोटल नंबर की बात की जाए तो ये हमने बताया था, ये आपको कितना आ जाएगा, 180। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.5।